हेलो गाइस, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा और मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो भी कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप कैरियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जो भी जेपीएससी का ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तथा जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और ये है मेरा पहला क्वेश्चन कि निम्न में से झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की जा रही है। ठीक है, निम्न में से झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज को अब मेडिकल यूनिवर्सिटी दर्जा देने की बात कही जा रही है। तो कौन सा है? रांची आयुर्वेद संस्थान रिम्स रांची और एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, रांची आयुर्वेद संस्थान रिम्स रांची। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका क्या है। झारखंड में अभी तक कुल 6 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, 6 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एक बोकारो, चाईबासा, कोडरमा मेडिकल कॉलेज बना अभी ये जो हैं बनाए जा रही हैं। ठीक है, इसमें क्लास चालू भी है। ठीक है, और जो पहले से हैं वो रांची आयुर्वेद संस्थान रिम्स एक, एमजीएम मेडिकल कॉलेज दो और एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में जो है और पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में अभी कार्यरत हैं। ठीक है, और पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इतने मेडिकल कॉलेज हैं, 6 अभी समझिए तो कार्यरत है और 3 अभी बनाए जाने की घोषणा हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। अब चलते हैं, झारखंड में राज्यसभा के कितने सीटों के लिए 19 जून को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की है। तो कितने सीटों के लिए घोषणा की है? तो ये सीट हैं 2 सीटों के लिए घोषणा की है। ठीक है, 2 सीटों के लिए घोषणा की है, कौन? भारत का निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के लिए 19 जून को। तो दो दो सीट कौन से हैं? तो वो है झारखंड में राज्यसभा में 2 सीटों के लिए 19 जून को निर्वाचन आयोग ने मतदान कराने की घोषणा की है और 2020 में परिमल नथवानी जो निर्दलीय हैं और प्रेमचंद गुप्ता जो राजद का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है 2020 के लिए। निम्न में से किसे इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डॉक्टर राकेश कुमार, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व सांसद करिया मुंडा। तो ये हैं आंसर बी, डॉक्टर राकेश कुमार को इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन? इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 किसको? डॉक्टर राकेश कुमार को। ठीक है, डॉक्टर राकेश कुमार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान तथा कृषि रसायन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। यह अवार्ड किसको दिया जाता है? यह अवार्ड किसे दिया जाता है? द ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीलरेटेड टू लिटरेसी नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, द ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीलरेटेड टू लिटरेसी नई दिल्ली द्वारा दिया गया है। राकेश कुमार का चयन बेस्ट कृषि शिक्षाविद सेवा के लिए किया गया है। ठीक है, बेस्ट कृषि शिक्षाविद सेवा के लिए किया गया है। ठीक है, किनको किया गया है? राकेश कुमार को। ये कहाँ के हैं? रांची कृषि विश्वविद्यालय है, उसके ये क्या हैं? प्रोफेसर हैं। ठीक है, और इन्हें किसके द्वारा इन्हें यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो द ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीलरेटेड टू लिटरेसी नई दिल्ली के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। झारखंड के किस कंपनी को लगातार तीसरे वर्ष 2018 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है,
लगातार तीसरे वर्ष 2018 के लिए भी दिया गया है स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सम्मान, ठीक है, 2018 के लिए। तो किसको दिया गया है? बोकारो स्टील प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और फिर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये किसको दिया गया है? तो यह टाटा आयरन स्टील कंपनी को दिया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड? स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस अवार्ड, ठीक है, स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सम्मान 2018 के लिए लगातार दिया गया, 2017 में भी, 2016 में भी, और 2018 में भी लगातार दिया गया है। तो अभी 2018 के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को, ठीक है। देखते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील यूरोपीय, टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील यूरोपीय को लगातार तीसरे वर्ष वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2018 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सम्मान दिया गया है, ठीक है। किस कौन सा वर्ष के लिए? 2018 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा दिया गया है स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन सम्मान। विश्व की 9 कंपनियों में टाटा स्टील का यह सम्मान किसके लिए दिया गया है? तो समग्र दक्षता के लिए, एक पर्यावरण प्रबंधन के लिए, लास्ट टाइम इन ज्यूरी फ्रीक्वेंसी रेट के लिए, ठीक है, और कर्मचारी प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और उत्पादों पर निवेश, वितरित आर्थिक मूल्य जैसे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिया गया है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के आंकड़ों पर दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने एकलव्य विद्यालय खोलने की बात बजट में कही गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने एकलव्य विश्वविद्यालय, एकलव्य विद्यालय खोलने की बजट में बात कही गई है, ठीक है, एकलव्य विद्यालय कितने खोलने की बजट में बात कही गई है? तो 15, 18, 13, 17। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये आंसर है 13। 13 एकलव्य विद्यालय खोलने की बात बजट 2020-21 में कही गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में कल्याण विभाग के लिए, कल्याण विभाग से संबंधित है, तो कल्याण विभाग के लिए 1595 करोड़ रुपया दिया गया, आवंटित किया गया है, किसके लिए? कल्याण विभाग के लिए, ठीक है। और कल्याण विभाग में ही क्या आता है? एकलव्य विद्यालय। तो इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 13 एकलव्य विद्यालय खोलने की बजट में कहा गया है, ठीक है। संथाल परगना में संचालित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए टारगेटिंग टू हार्ड कोड पुअर के तहत 5000 आदिम जनजाति परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सारा जो है वो है कल्याण विभाग से रिलेटेड, और कल्याण विभाग से रिलेटेड 1595 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 2020-21 के बजट में, और इसलिए सारे इम्पॉर्टेंट है कि टारगेटिंग टू हार्ड कोर के तहत कितने आदिवासी जनजातियों को गरीबी से बाहर निकालना है, तो 5000। यहाँ ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट किया गया, इसे याद रखने ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। 5000 आदिम जनजातियों को टारगेटिंग टू हार्ड पुअर के तहत 5000 आदिम जनजातियों को परिवार से गरीबी से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया है, ठीक है दोस्तों। सो यह है इस वीडियो का अंत, आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद दोस्तों।